ये कबूतर और ये मैं इसको सिलो से यहीं छोड़ू और रुका भी नहीं। 1 2 ये आई ओले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये मटकियाँ अभी तक यहीं पड़ी हुई, कल जो निकाली थी अभी इसको धोया नहीं है मैंने, कल मगरिब हो गई थी, टाइम ऐसा हो गया था तो फिर मैं धो नहीं पाया। बाकी आज जो है ये बारिशों के बाद ये अंदर कीचड़ आप देख सकते हैं कितना मज़ीद कीचड़ हुआ है। ये चारों पिंजरे जो हैं एक अरसा हो गया साफ़ नहीं हुए, खैर हमारी ना अहली है जिस वजह से साफ़ नहीं हुए। बाकी अभी जो है आज जो है टोटल सफाई करनी है हमने, कोशिश तो है चारों पिंजरे निपटा दें, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 2 पिंजरे तो हमने आज लाजमी साफ़ करना है। बाकी इधर हमारी कुछ किचन वेस्ट है, ये मैंने रोटियां वगैरह भिगोई हुई हैं, चावल हैं, छिलके हैं जो हमारे किचन के होते हैं ना। बाकी ये सफाई का मेरा सामान बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम कबूतर को छोड़ते हैं जो हमने पकड़ा था, उसके बाद फिर हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसका जो है ना पर आप देखें, ये इस तरफ वाला पर ये आपको जो है आपको यकीनन लटका हुआ दिखेगा और ये कपकपा भी रहा है। क्यों कपकपा रहा है पता नहीं, डर रहा है क्या वजह है क्या नहीं है, लेकिन ये जो है मुसलसल इसका एक पर पता नहीं सीधा आता है उल्टा आता है इसका, वो लटका हुआ है। शायद बिल्ली ने मारा होगा इसको या क्या वजह हुई होगी। खैर इसको अभी निकालते हैं, इसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर इसको आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया हाथ में कबूतर, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फ़िलहाल कहीं चोट वगैरह तो इसके नहीं लगी हुई, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इसका जो पर है ना, ये थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके वो बीट कर दिए या क्या वजह हुई है ये थोड़े से पर। बाकी पर पूरे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल एक्टिव है, कहीं से ऐसा नहीं है कि वो अरे भाई निकलने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं तो, और इसकी फ्लाई देखते हैं कि ये क्या फ्लाई करता है। दाना पानी रखा हुआ था मैंने अंदर, खा लिया होगा इसने। अभी ये बड़ी मुश्किल, जंगली कबूतर है ना, बड़ी मुश्किलों से हाथ में आते हैं। अरे भाई तुम्हारी मदद कर रहा हूँ साले तेरी, मैं मदद कर रहा हूँ तेरी, रुक जा। अब दोस्तों इसको मैं छोड़ूंगा नीचे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या है। ये पर ख़राब लग रहा है इसका, बाकी इसको देखते हैं कि क्या कहता है ये, उड़ पाता है। वैसे मेरा ख्याल है कि उड़ जाएगा इंशाल्लाह। ये कबूतर और ये मैं इसको सिलो से यहीं छोड़ूँगा और रुका भी नहीं। थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ गया लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गया। जंगली कबूतर है, वाइल्ड पिजन, लेकिन सही फ्लाई कर लिया इसने। अब ये यहाँ बैठा ना रहे, नहीं वैसे इंशाल्लाह जो इसने फ्लाई करी है ये उड़ जाएगा। तो भाई साथ खैरियत के रहो, मज़े करो, खाते पीते रहो। बहुत जंगली कबूतर बैठते हैं खैर यहाँ पे, इस पर भी बिल्ली ने हमला कर दिया तो ये रुक गया, पीछे चला गया है। अब शायद ये फ्लाई करेगा, ऊपर चढ़ के देखते हैं। पता नहीं कैमरे में आ रहा ही नहीं आ रहा, बहुत दूर ही आगे बैठा हुआ लेकिन छत पर है मुझे वो दिख रहा है। फिलहाल चला गया, अपनी मर्जी से खेलेगा, अपने दोस्तों में घूमे फिरेगा, ठीक तो है जिस तरह से उड़ा है। अच्छा दोस्तों अभी जो है ये हम एक एक करके इनका बूफे लगा देते हैं, इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जमा हो गई हैं। बाकी कबूतर तो अभी वहाँ पर बैठा हुआ दिख नहीं रहा, वो यकीनन उड़ गया होगा, अभी वहाँ पर दिख नहीं रहा। ऊपर तो मैं चढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा चढ़ के देखा था वो पीछे बैठा हुआ था, लेकिन अब शायद वो निकल गया होगा। मुझे अच्छा खासा उड़ के गया है तो निकल ही गया होगा। ये कुछ चावल हैं, बाकी मैं ये सब यहाँ रख दूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि बुफे कैसा तैयार हुआ हमारी मुर्गियों के लिए। यहाँ मैंने गोश्त रखा था तो वो कब से आ रही थी, कोशिश कर रही थी, फिर मैं वहाँ से पीछे हटा तो ये अभी आके लेके गई है। ये भी घूम रही है, ये आएगी 1 2 ये आई और लेके गई। देखा खदीजा, अच्छा कौवा आ गया, ये तो खैर इत्मीनान से ही कहा था चलो भाग गया। हाँ हाँ दे रहा हूँ, इतना परेशान नहीं तुम्हारे लिए। ये चीले दोस्तों आ रही थी ना ये गोश्त खाने के लिए, तो ऐसा डर रहे थे, ये आवाज़ें निकालने डर रहे हैं, ये कैसा परेशान हो रहे हैं। अबे भाई खुलने वाला है, पाकिस्तानी आवाम बने हुए हैं वैसे तो ये। फिर चील आई और ये फिर आपने देखा किस तरह डरे, ये चील इस तरफ से गई है तो ये डर है। खैर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को सिखाया है किससे डरना है किससे बचना है। फिलहाल इनका बुफे रेडी हो गया, डबल रोटी, पराठा, रोटियां, तंदूर की रोटियां, चावल, क्या होता है ये दाल और चावल मिक्स हैं, और लास्ट में है इनके लिए सैलेड, तो जिस पर दिल चाहे वो खाओ। ये देखें ये पाकिस्तानी आवाम बने हुए हैं, बुफे में शादी में जब खुलता है तो ऐसे हो रहा होता है। खैर हाई हर जगह नहीं होता, कोई अपने ऊपर नहीं ले जाए भाई, कहीं कहीं पर होता है। फ़िलहाल अब है बुफे खुलने का टाइम,
तो 1 2 3 कर दो अटैक, जाओ 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 जाओ। ये सब के सब, वो एक रोटी लेके भागी, ये मुर्गा, ये तो खैर यहाँ का किंग है तो ये तो अब इत्मीनान से ही खाएगा। वो अब इससे डरने लगे हैं तो वो अपने अपनी लेके साइड पे निकल गए। तो इनको खाने देते हैं और हम करते हैं इनके घर की सफाई, प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है। इतनी मिट्टी, और मिट्टी भी क्या कीचड़ बारिश की वजह से, तो इसको क्लियर करते हैं उसके बाद फिर। अच्छा तो दोस्तों, जो उम्मीद थी वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने साफ़ करने की बात कही थी लेकिन साफ़ हो नहीं पाया। अब वजह ये है कि वो इतनी बुरी तरीके से वो ज़मीन से लगा हुआ है, पूरा चिपका हुआ है वो, इतनी मैंने रगड़ा उसको लेकिन वो कुछ असर ही नहीं हो रहा उस पर। खैर जितना हटा मैंने उसको हटा दिया, तो भाई ये एक दिन की बात नहीं है, इस पर हमें जो है टाइम लगेगा। ये हर हफ्ते जब सफाई होगी ना इसकी दोबारा से, तो फिर जाके ये क्लियर होगा, ऐसे तो ये क्लियर नहीं होने वाला। वो मैं उसको खुरच रहा हूँ तो वो खुरचने से भी ना बड़ी मुश्किल लगा रहा है। फिलहाल अभी इतना हो गया उतना भी काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले इसका क्या हाल था और अब क्या हाल है, तो अभी इसको फ़िलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा साफ़ करेंगे तो स्लो स्लो करके ये साफ़ होगा, एकदम से साफ़ नहीं होगा, क्योंकि पानी पड़ा है, फिर इनकी बीटें थी वो बिल्कुल जो है चिपक गई हैं। ये स्लो स्लो साफ़ करेंगे, तो अभी चलते हैं हम अपने दूसरे पिंजरे की तरफ, उसको क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। अभी दोस्तों इसके ऊपर मैंने स्टैंड बनाया हुआ था ना, ये मैंने खुद बनाया था, ये भी आप देखें पूरा पानी लग लग के गलने की वजह से ये सब जो है टूट गया, बिल्कुल बिल्कुल गल गया है। हमें पानी जो है ऐसे ही नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पटरा बनाएंगे, ये तो खैर नहीं बनेगा, इसकी तो हालत ख़राब हो गई है, तो तब तक नीचे ही रखते हैं। आगे इस पिंजरे का भी हाल इतना ख़राब हुआ हुआ है, मतलब ज़मीन तो कहीं दिख ही नहीं रही होगी, फर्श आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से हुआ है, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं आया बारिश का, तो ये जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देखें बिल्कुल क्लियर हुआ है ये, और ये बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। पहले इसकी क्या हालत थी और अब इसकी क्या हालत है। बाकी छत की हालत जो है बिगड़ चुकी है, उस पिंजरे का वहाँ पड़ा हुआ है, इस पिंजरे का यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों, दो पिंजरे साफ हो गए, एक हमारा इस तरफ वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, करने तो खैर चारों थे, बट ये कि अभी नहीं हो पाए, हालत ख़राब हो गई है, पसीने पसीने हो गया हूँ, तो आज के काम को यहीं रोकते हैं। सोचा तो चार का ही था लेकिन नहीं हो पाया, तो आज के काम को हम यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो हमारे दो पिंजरे बचे हैं उनको भी साफ़ कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।